आज हम लोग पढ़ते पेल्यूजोइक इरा के बारे में जैसे कि हम लोग ने पहले डील किया था इराज और जियर डिविजन तो तीन इराज होते हैं सिनोजोइक मेसोजोइक और पेलोजोइक तो हम लोग लो पेलोजोक के बारे में आज पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज दिस तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है डिस्क्राइब द एज ड्यूरेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर नाउ एराज। तो इंट्रोडक्शन हम लोग देख, देख लेते हैं कि पेलियो मीनस ओल्ड होता है जो मतलब लाइफ होता है और इसको क्रेडल ऑफ एंस लाइफ भी बोलते हैं इसका थ्री सेवेंटी मिलियन ईयर्स ड्यूरेशन है और ये इसका बिगनिंग सिक्स हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो हुआ और टू थर्टी मिलियन ईयरस एगो में इसका एंडिंग हुआ इसका डिवीजन है कैमरेम ऑडोविसियन सैल्यूरियन डिवोनियन कार्बोनीफायरस और कार्बोनिफेरस uh, में दो सब डिविजन है मैं और पेंसिलोवन एनियन जो कि लुअ अपर हुआ, हुआ। अब यहां पे हम एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि किस कौन किसको डिस्कवर किया इसका कितना बिगिनिंग था उसका ड्यूरेशन टाइम क्या था तो कैम्ब्रियम का देख लेते हैं एडवेंस एडवीक था एटीन में और वैसे ही आप जैसे देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू आप देख लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका कैम्ब्रियम जिसको बोलते हैं ऑल इनवर्टिट फायर स्टेब्लिश ऑरिजिन ऑफ ट्राइलोबाइट्स सो याद करने लायक ये है कि ट्राइलोबाइट्स का कब कौन से इराज में हुआ था तो कैम्ब्रियम पीरियड में हुआ था ठीक है तो ओडोविशियन इसको क्या बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिड सेल्यूनियन पीरियड को क्या बोलते हैं जिसमें जॉ फिश और विंगलेस इंसेक्ट का बिगनिंग हुआ था फिर डिवोनियन में एज ऑफ फिश बोलते हैं फिर कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबियन और पर्मियम में एक्सटेंशन ऑफ टैलोबाइड जो कि बिगनिंग कब हुआ था कैम्ब्रियम में और एक्सटेंशन कब हुआ पर्मियन में ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स रेप्टेरापसे मोस्ट मॉडर्न ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट कैम्ब्रियम पीरियड का हम लोग क्लाइमेट कंडीशन देख लेते हैं कि यहाँ पे मतलब सी लेवल का स्लो राइज हो जाए आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो कैमरम का जो भी स्टार्टिंग क्लाइमेट ऑफ फोना था वो आगे जाके कोरिलेट होता है परमियन तक तो ठीक है हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि स्टार्टेड विद द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ग्लेशियर का मेल्टिंग होता है और फिर सी लेवल का थोड़ा सा राइज होता है फिर वार्म क्लाइमेट है फिर ओशन फ्लडेड विद लैंड एज अ रिजल्ट नॉर्थ अमेरिका नाउ वॉज अंडर दी इन कैमरम पीरियड यानी कि अमेरिका जो है फुल्ली वो सी में था अभी तक अमेरिका बना नहीं है फिर फोना इसमें देख लेते हैं कि फोना में प्रोटोजुअस पॉन्जेस क्योंकि बहुत लोअर उंटेन्स डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ ईस्टन पार्ट ऑफ द अमेरिका कनेडा एन माउंटेन फॉर्मेशन एक्टिविटी इन यूरोपियन कॉन्टीन ओडोविशन में हम लोग देखते हैं जिसको एज ऑफ इनवर्टिब्रेड भी बोलते हैं जॉलिस का बिगनिंग में हुआ था तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ग्लेशियर का एक्टिविटी जो है वो आ, आ, इन सर्टेन रीजन वो आ, मेल्ट करता ही है फिर वार्म थोड़ा रीजन है क्योंकि जो पहले जो कैमरियन से ऑडोविजन थोड़ा एडवांस होगा क्योंकि वहां पे सी जो है उसका थोड़ा राइज होते रहेगा उसका लेवल तो फ्लडेड विच चलो सी एंड वॉलैनिक एक्टिविटीड इन नॉर्थ अमेरिका तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि इरप्शन वालकैनिक एक्टिविटीज किस पीरियड्स में हो रहा था तो ऑडोविशियन पीरियड में स्टार्ट हुआ था तो, फिर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इंस्टर्न फिर हम लोग यहां देखते हैं कि स्ट्रैकोडरमाए यहां पर टीलोडरमाए और फिर स्ट्रैकोडर्म्स होते हैं तो यहां पे ये यह फाउना पाए जाते हैं जॉलेस फिशेज उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग फर्स्ट कोरल्स अपीयर्स इन मेकिंग रेफरेंस रीफ कोरल रीफ बनाते हैं उसके बाद फिर ब्रैक्योपोर्स और ग्रैप्टोलाइट्स ये दो एबंडेंट है फोना तो इस पर मार्क करने लायक ये चीज़ है फिर सैल्यन पीरियड हम लोग देखते हैं कि विंगल इंसेक्ट अर्लीस्ट कोरल रीफ यहाँ पाया जाता है इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे एडवांस होता है ये चीज़ बॉलगैनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे माउंटेन्स होता है ब्रिस्टेड आईलैंड नॉर्थ एफ्रीका क्लाइमेट रीजन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया अच्छा से आप देख लीजिए फिर फाउना जो है वो फर्स्ट लैंड प्लांट्स एंड एयर ब्रीदिंग एनिमल्स मेड ऑफ दिस फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एयर ब्रीदर अभी तक तो हम लोग सी और वाटर का देख रहे थे कि कौन सा फाइना कहाँ पे है जैसे कि प्रोडोज हो गया पॉलिफेर हो गया यह कैमरिन और ओडोविशियन और पीरियड्स uh, में पाए जाते हैं अब यहाँ पे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ठीक है यूरेपट्स वेयर आर दी एंसेस्टर ऑफ द मॉडल स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन का जो एंसेस्टर था उसको क्या बोलते हैं यूरिपट्स ठीक है उसके बाद मेराइन इन वर्टिब्रिड्स वे आर स्टिल डोमिनेटेड क्योंकि अभी भी सी लेवल का ही बात चल रहा है तो मेराइन इन वर्टिब्रेड्स होंगे ही होंगे फिर डिवोनियन पीरियड में हम लगे थे एज ऑफ फिशेस लोग एम फ्यूम फिशेजन एंड स्पाइडर्स क्योंकि टेरेस्ट्रियल का काल्यूरियन पीरियड में ही हो गया था यो थान पीरियड में यहाँ पे टेरिस्ट्रियल फोना uh, पाया जाएगा क्लाइमेट का देखते हैं कि कोयल ऑयल और गैसेस का फॉर्मेशन होता है वॉल्कैनिक एक्टिविटीज स्टिल गोइंग ऑन और फिर फाउना में ब्रैक्यो पोर्ट्स पीक ऑफ दिन ब्रैक्यू पोर्ट अबेंडेंट है यहाँ पे उस ट्रैकोडम बिकम मोरडेड इन तो फिश ब्लैकोडम्व इन दिस पीरियड फिर यहाँ पे देखते हैं लेटीरिया जो कि लिविन फॉसिस है तो पहले एक्सेप्ट ओनली वन लिविंग रूफ स्टीग, स्टीग, वे पीरियो। पीरियो हम लोग देखते हैं कि लोअर कार्बोनिफेरस और अपर कर्भी, पीरियड्स का ये सब डिवीजन है मिसिसिपियन पीरियड तो यहां पे देखते हैं द वर्ल्ड क्लाइमेट वाज वार्म एंड ड्राई विद डेजर्ट कंडीशन इन एन नंबर ऑफ इज यू स्वैम्स लेट ऑन एल्प फॉर्मेशन इन यूरोप इन दिस पीरियड फिर फाउना हम लोग देखते हैं सिर्फ सेलेमेंडर है फिमियन है शार्क्स वे आर मोस्ट अबन्डेंट फिर पेंसिलोवानियन में हम लोग देखते हैं जो है अपर फेरस कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड्स का यानी कि फर्स्ट विंगलेस इंसेक्ट जो है वो पेंसिलोवानियन पीरियड में यानी अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में इवॉल्व हुए थे फिर यह माइल्ड है यूनिफॉर्मली माइल्ड इसका क्लाइमेट है कोल्ड है लो, लोकल ग्लैसिएशन एंडियंस ऑफ द द क्लाइमेट वॉज मोस्ट सुबर फॉर द स्पीड ऑफ द स्वयं वेजिटेशन स्वयं वेजीटेशन भी होना शुरू हो गया इसमें फाउना हम लोग देख सकते हैं एक ड्रैगन फ्राई हो गया कॉक्रोच एटैंड मैक्सिमम साइज एमवी एक्सपेड एंड बिकम मोर एबंडेंट फिर स्टेम रिप्टाइल्स सीमोरिया फिर पर्मिन प्रेड देखते हम लोग थे एक्सटिशन ऑफ ट्रायलोबाइट्स हो गया ये ऑरिजन ऑफ मैमल्स लाइक रेपटाइल थे मोस्ट मॉडर्न ऑफ इन्सेक्ट्स फिर इसका क्लाइमेट देखतेचियन रिवोल्यूशन ये मार्क पॉइंट है उसको आप देख लीजिए फिर यहाँ पे इसका फाउना आ गया ट्रालोबाट डिसपियर कम्प्लीटली क्रेनॉइड्स बिकम रेयर फिर बेटल ये आपको जनरली याद ही करना पड़ेगा ये रटने लायक है तो आप इसे रट लो नोट्स को देख के थैंक यू फॉर वॉचिंग